पंकज भाई बाइक साफ कर रहे हैं, अभी देखते हैं। पंकज भाई ने पूरी बाइक साफ कर दी, यहाँ पे गंदी हो रखी थी। अभी निकलते हैं घर से। पंकज भाई बाइक चलाते हुए निकल रहे हैं बस। भाई ठंडी इतनी हो रही है, हम घर पर जा रहे हैं मगर थोड़ा लेट जा रहे हैं, पता नहीं भीड़ बहुत होगी वहाँ पर। हेलमेट वाले तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने बाइक में, क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं है, बहुत कम है बाइक में पेट्रोल, तो पेट्रोल भरवाते हैं। चलो अभी हम पेट्रोल पंप पे लाडूसराय में, लाडूसराय पेट्रोल पंप पे अभी हम। तो गाइस देखो पेट्रोल भरवाते हुए पंकज भाई पेट्रोल भरवा रहे हैं बाइक में। बाइक में पेट्रोल नहीं है भाई, भर रहे हैं पेट्रोल। लाडूसराय में कितनी शांति है, आज धूप भी निकली आज तो। तो गाइस अभी हम लोग लोकेशन देख रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत पता नहीं है भैया को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं हम लोग पंकज भाई, तो पंकज भाई के साथ बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। तो भाई अभी लोकेशन देख रहे हैं मेरे फ़ोन में, तो बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, बस पहुंचने वाले हैं। ठंड देखो, आंखें लाल हो गई, हाथ इस टाइम पूरे सुन्न हो रखे हैं, ठंड इतनी हो रही है दिल्ली में। जो जो भाई घर दिल्ली में रहते हैं सारे भाई अपने अपने घर पे रहो, ठंड बहुत हो रही है इस टाइम। ये हमारे आर्मी वाले भाई देखो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं अभी दो चार हमारे आर्मी वाले भाई मेरे मौजूद हैं। देखो गाइस ट्रैफिक कितना है, सारे के सारे बसें खड़ी पड़ी हैं। इंडिया गेट का आसपास अभी इंडिया गेट हम 5 मिनट में पहुँचने वाले, बस 5 मिनट में, 5 मिनट में। ये देखो जाम कितना, जाम बहुत है इधर की तरफ इंडिया गेट की तरफ। देखो बस के चक्कर में देखो कितना जाम था, सारी लाइन से बस खड़ी हैं आर्मी वाले भाइयों को ले जाने के लिए। ये देखो कितनी भीड़ है, सीधे 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 रास्ता बंद है, यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, यहाँ से जा रहे हैं अभी हम। पूरी भीड़ में बने रहे सारे के सारे भाई हमारे, आपको दिखाएंगे सारी रेली पेली। देखो भाई आर्मी वाले भाइयों का ट्रक खड़ा पड़ा इधर, गेट तो खोल दिया। चलो सारे भाई जाते हुए, सारे भाई जा रहे हैं, गेट खोल दिया गाइस। देखो सारे भाई आते हुए, अभी हम लोग इंडिया गेट पे पहुंच चुके हैं। ये देखो मगर आप रास्ता देख रहे हो, देखो इंडिया गेट पे आ गए फाइनली इतनी मुश्किलों से। परेड परेड हो रही है, पार्किंग देख रहे हैं हम लोग भी, अंदर जाएंगे फिर गाइस। अभी हम पार्किंग देख रहे हैं फिर जाते थे वो। ये रहा हमारा इंडिया गेट। तो गाइस अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, हमें हमारी बाइक की पार्किंग मिल जाए बस, फिर हम भी अंदर जाएं। किसी भैया जी से पूछ लो पार्किंग वार्किंग कहाँ है, पता है आपको? पंकज भाई को पता है, ये हमारे भाई भाइयों का ट्रक खड़ा है आर्मी वाले भाइयों का, देख सकते हो। पार्किंग देखते फिर आपको आगे मिलते हैं।
गाइस हमें पार्किंग नहीं मिल रही, पूरे इंडिया गेट घूम रहे हैं अभी हम, पार्किंग हमें मिलते हम भी जाते फिर अंदर। पंकज भाई आप तो बोले तो हमें पार्किंग पता कहाँ पर है पार्किंग, पार्किंग तो पार्किंग चलो उसके अंदर देखते हैं, बंद कर रखा देखो तैयारी हो रही है, ये देखो परेड के लिए तैयारी हो रही है। देखो हमें फाइनली पार्किंग तो मिल गई है थोड़ी बहुत, अभी हम जा रहे हैं गाइस। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा पॉप आउट हो चुका है, बंदे बोल रहे हैं बहुत से सारे भाई बोल रहे हैं कि 12 बजे रैली ख़त्म हो गई थी परेड वगैरह, तो कोई नहीं आपको पूरा इंडिया गेट तो दिखाएंगे कम से कम, हम पॉप आउट हो गया हमारा। अभी हम इंडिया गेट पहुँच चुके हैं, अभी जा रहे हैं आपको पूरा इंडिया गेट अभी हम दिखाएंगे पूरा। स्टॉन्टमैन उठा, स्टॉन्टमैन ये सब स्टॉन्टमैन है, इनका ख़त्म हो चुका है शो, ये देखो ये सब इनका ख़त्म हो चुके रही थी, ये लोग निकल जा रहे हैं अभी इंडिया गेट से। ये देखो जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे हम लोग, जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे पूरा पूरा। अभी हम इंडिया गेट पर आ चुके हैं, ये सब चेयर है, ये सारी चेयर है देखो यहाँ बैठे थे सारी पब्लिक, ये देखो मैं और पंकज भाई देखो तो घूम रहे हैं मुंह तो पूरा बिल्कुल काला हो गया अभी, शक्ल सनी नहाए दो एक हो गए गाइस, शक्ल देख सकते हो कैसी हो रही है पंकज भाई की, पंकज भाई की तो हालत ख़राब हो गई बाइक चला चला के, हाथ बहुत ठंडे हो गए पंकज भाई आपके तो, बहुत ठंडी हो गई अभी। जितना हो सके गाइस आपको पक्की बात दिखाएंगे पूरा का पूरा दिखाएंगे। आज इंडिया गेट पे इतनी भीड़ है, अभी तो उसका बीच में गाइस काम चल रहा था जब हम आए नहीं थे, ये एंटी देखो झंडा फहरा रही है पूरे में देख सकता है गाइस, हम थोड़ा बहुत लेट हो गए हैं जब हमें कुछ दिख नहीं रहा, जैसे तैसे जो कुछ होगा आपको पूरा पूरा दिखाएंगे। ये देखो आंटी पूरे में झंडा लहरा रही है, फाइनली गाइस हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, इंडिया गेट पर आगे देखो यहाँ का व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है। चल रही है यहाँ पे बोट नहीं चलता है पीछे की तरफ, और बंटी कुछ बोल तो भाई बस मेरा तो दिल दुख गया है, मैंने परेड नहीं देखा है, मेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको चले रहा हूँ दिखाते हैं। आजा हेलो गाइस, मैंने जूम करके दिखाया देखो, ये आर्मी वाले के भाई का ट्रक वाला खड़ा है, ये सारे भाई इस पे खड़े हैं, जूम करके दिख रहा हो तो देख लेना गाइस, न्यूज़ वाले आ रखे हैं भाई, कुछ बातचीत हो रही है इन लोगों की, परफेक्ट लीडरशिप निभा रहे हैं और वैसा लीडरशिप बाकी अन्य किसी लीडर के अंदर दिख नहीं रहा, बिकम महीन है विपक्ष और इस वजह से न्यूज़ 18 वाले आ रखे हैं यहाँ पे, विकल्प के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। हाँ जी क्या अलावा, हाँ फैसला चौधरी कहाँ के रहने वाले, तो गाइस यहाँ पे देखो इंडिया गेट के पास न्यूज़ वाले आ रखे हैं, इन भाइयों से बातचीत हो रही है, हम बहुत दूर खड़े हैं, पंकज भाई भी यहाँ खड़े हैं, ये खड़े पंकज भाई, राहुल अमेठी आएंगे इस बार, राहुल गांधी लगते हैं, अमेठी कांग्रेस का गढ़ था गांधी परिवार का, इस बार हार गए राहुल गांधी,
जो कुछ सवाल वाल पूछ रहे हैं गाइस। पंकज भाई इधर खड़े और देखा जब नई चीज मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन एक नई चीज़ दिखने पड़ रही है जो हमारी एकता है वो एक अलग लेवल पर जा रही है। सबको अनेक शुभकामनाएं और देखिए यहाँ से आपको जितना मजा लेना है आप ये चीज़। पंकज भाई खड़े हैं यहाँ पे, दोबारा एक न्यूज़ वाले मिल चुके गाइस। न्यूज़ वाले बहुत आ रखे इधर। गाइस देखते रहो, बड़ी लंबी लंबी मिसाइलें हैं इसमें, तोप वगैरह। अंकल सबको पीछे कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हो जा रहे हैं इसके अंदर। अब थोड़ा बहुत मेरा दिल भी थोड़ा सुकून मिल गया गाइस, दो चार मिसाइल इसाइल हमने भी देख ली। अंकल भाई मजा आ रहा है, ये हमारे आर्मी वाले भाई हैं। मिसाइल देखो गाइस, मिसाइल है आप देखो गाइस, मिसाइलें कितनी बड़ी बड़ी हैं। देख सकते हैं गाइस आप हमारे भाई। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें इसके अंदर। एक एक करके आ रहे, देखते रहे आप। ये देखो महसूस आपको अब हो रहा है या पहले कभी नहीं हुआ? पहले नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जब तक मेरी बात सुनो, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जी जी बोलिए। एक जुगनू थे, जुगनू जी। जुगनू ने सोचा कि हम ना यार सूरज को देख के जलते थे। वो कहते थे यार हम ऐसा करते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सूरज को खेल करते, सूरज की रोशनी फीकी करते हैं। ये जितने भी जुगनू घूम रहे हैं ना भारत यात्रा के अंदर जी, ये जुगनू है। ये जुगनू सूरज को फेल नहीं कर सकते भाई साहब, सलाम करना चाहिए। ये सरकार ही ऐसी आई है, ये सरकार को छोटी सरकार नहीं है, हमें बड़ा फख्र है इस सरकार के ऊपर। जी तो शकीन से कह रहा हूँ, देखिए ये बात, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, क्या फख्र हो रहा है आज देख करके। उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा टारगेट में हम देख रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की झांकी जो कभी मौलवियों के साथ निकलती थी, आज वहाँ पूरा भारत दर्शन करवाया। राम जी की मूर्तियों के साथ सिया राम का नारा के साथ इस तरह उत्थान हुआ है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत से जो खोया था वो विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है। भाई आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, तो हम लोगों ने दिखा दिया मैंने और पंकज भाई ने, जैसे हमारा हुआ तो गाइस हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और कुछ दिक्कत तो रहा नहीं है खाने वाने का,
अगर कुछ दिखता है तो आप दिखाते हैं क्या खाते हैं। पंकज भाई खाने पीने क्या? पंकज भाई को कुछ मिलेगा नहीं। पंकज भाई तो आइसक्रीम खा रहे हैं। मिलेगा देखो क्या होगा। आई एन ए में देखते हैं। पंकज भाई तो आइसक्रीम खा रहे हैं। देखो मेरा मन नहीं आइसक्रीम आइसक्रीम खाना, गला खराब हो जाता है, इसलिए चलो आई एन ए में देखते हैं कुछ खाने हैं, पराठे वराठे। चलो मिलते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं इंडिया गेट पे से, बाइक के पास आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले बाइक हमारी खड़ी हुई थी और हमें ये नहीं पता हमारी बाइक कहाँ खड़ी है। पंकज भाई जा रहे हैं बाइक लेने के लिए। ये खड़ी सबसे पहले इधर पूरी पार्किंग में हमारी बाइक खड़ी हुई थी और किसी की खड़ी नहीं हुई थी। ये देखो पंकज भाई बाइक खोल लें, हेलमेट निकाल लें, फिर चलो मिलते हैं आगे। आई एन ए मिलते हैं, कुछ खा पी के फिर ब्लॉग करते हैं एंड। पंकज भाई वहाँ पर खड़े हैं, पानी वानी पी रहे, चलते हैं खा पी के। पंकज भाई टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। बढ़िया। चलो गाइस, तो गाइस खा पी के रेडी, खा पी के सेट हो चुके हैं। मैं और पंकज भाई पराठे खा लिए, एक एक पेट भर गया। तो गाइस लोग को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है। लोग एंड करता हूँ मैं।